नमस्कार दोस्तों, आज का मेरा वीडियो कहाँ पर है वो तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, और वीडियो अंत तक देखने की कृपा करें और प्लीज़ अपने कमेंट और लाइक्स भी दें ताकि हमारा प्रोत्साहन बढ़े। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वागा। क्वागा देखिए, ये 19वीं सदी की एक प्रजाति थी जो आधा घोड़े और आधा ज़ेब्रा जैसे दिखता था, और इस पर बहुत लंबी बहस चली कि भैया ये घोड़ा है कि ज़ेब्रा है। लेकिन अंत में ये फैसला किया गया कि ये एक ज़ेब्रा की ही प्रजाति है, और इसका और ये एक आवाज़ निकालता था, क्वा हा हा, ऐसी गधे जैसी थोड़ी आवाज़ है, ये वो आवाज़ निकालता था जिससे इसको ये नाम से भी पहले बुलाया जाता था। और उसके बाद ये क्वा हा हा से इसका नाम हमने रख दिया क्वागा। इस तरीके से इसका नाम क्वागा पड़ा। अब हम इसकी बात करते हैं कि ये जो है लगभग 8 फीट लंबे आते थे और इनके कंधे लगभग 4 फीट तक की ऊंचाई पर आते थे। ये ज़ेब्रा, ये पूरे तरीके से हम इनको ज़ेब्रा नहीं कह सकते थे, क्योंकि क्या है, इनमें जो शरीर का आगे का हिस्सा था वहाँ पर बिल्कुल ज़ेब्रा जैसे स्पाइक्स जो आते हैं वो बने रहते थे, लेकिन जो पीछे का हिस्सा था वो बिल्कुल प्लेन और ब्राउन कलर का था, जिससे कि हम इसको घोड़े जैसा समझते थे। तो इसलिए हम इसको बोलते थे कि आधा घोड़ा और आधा ज़ेब्रा जैसा दिखता था, लेकिन अंत में इसे ज़ेब्रा ही नाम दिया गया। और आप फिर हम बात करते हैं कि ये इनकी प्रजाति ख़त्म कैसे हो गई। तो क्या हुआ था कि जो साउथ अफ्रीका था, ये साउथ अफ्रीका की प्रजाति है, तो साउथ अफ्रीका में जब डच सेटलमेंट हुआ था तो वहाँ पर जो क्वागो है वो एक बहुत ही आसान शिकार था उनके लिए। तो ये जो डच पीपल थे, इन लोगों ने क्वागा का शिकार करना शुरू कर दिया और उन्हें खाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी प्रजाति धीरे धीरे ख़त्म हो गई। 1878 तक इनकी प्रजाति लगभग विनाश की कगार पर थी, और इनका जो आखिरी वंशज था वो 12 अगस्त 1883 में एम्स्टर्डम में जिसकी मृत्यु हो गई। सिर्फ एक क्वागो था, और ये जो आप फोटोग्राफ से देख रहे हैं ये भी 1883 तक ही ली गई है। और लेकिन फिर 1984 में एक अच्छी खबर आई कि 1984 में एक खबर आती है कि क्वागा पहला ऐसा जानवर था जिसका डीएनए का एनालिसिस लिया गया था। मतलब जितने भी जानवर हैं उनमें सबसे पहला जानवर क्वागा ही था जिसका डीएनए एनालिसिस किया गया था। और अगर हम अभी की बात करें तो अभी भी साउथ अफ्रीका की गवर्नमेंट कुछ अभियान चला रही है, और ऐसा लोगों का मानना है कि अभी भी क्वागो को देखा गया है। लेकिन ये बातों में कितना सच है कितना झूठ है ये कहना मुश्किल है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।